गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब खैरियत से होंगे और प्यारा प्यारा काम भी कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी जमात दोम की उस्तानी मिस सुनैना फ्रॉम सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल। चलें बच्चों, काम करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें तो बच्चों, अब हम आ गए अपने काम की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम अपना अमली पर्चा यानी उर्दू का अमली पर्चा अपनी वर्कशीट करेंगे। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये है हमारी वर्कशीट। अब हमें इसको किस तरीके से करना है, तो चले अब हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। हमें तो प्यारे बच्चों, हम अपना अमली पर्चा अपनी कॉपी के अंदर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जिस तारीख पे कर रहे हैं, हम तारीख लिखेंगे। फिर हम सेंटर में यानी वस्त में कॉपी के दरमियान में लिखेंगे अमली पर्चा नंबर एक, और उसके बाद जमात का काम लिखेंगे। जब हमारा पूरा सफा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे सवाल नंबर एक साइड पर, जैसे कि कॉर्नर पे हम लिखते हैं सवाल नंबर एक लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे सवाल नंबर एक है हमारा इसम की तारीफ पांच मिसालों के साथ लिखें। इसम की तारीफ करेंगे, जैसे कि हम कवायद के काम में अपनी इसम की तारीफ कर चुके हैं। इसम क्या होते हैं, इसम किसे कहते हैं, मैंने आपको करवाया था। इसम नामों को कहते हैं। इसी तरीके से सबसे पहले आपने तारीफ मुकम्मल की, फिर उसकी पांच मिसालें लिखी। मिसालें आपको मैंने बताई थी क्या क्या होती हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ गई थी। तो पांच मिसालें लिखेंगे आप, उसके बाद आएंगे आप अपने सवाल नंबर दो पे। हमें दिया हुआ है कारवाने उर्दू से नज़म हम ज़बानी याद करें और कॉपी में खुशखत करें। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने नज़म हम ज़बानी पढ़ी भी थी, याद भी की थी, और ये वाला सवाल आप कॉपी में खुशखत कर भी चुके हैं, तो ये सवाल तो आपका मुकम्मल हो गया है। इसके बाद नीचे दिया हुआ है सवाल नंबर तीन, दिए गए हुर्फ की तरफात बनाए। अब तरतीब हमें कैसे बदलनी है, तो नंबर एक पे दिया हुआ है नून मीम अलिफ। अब नून मीम अलिफ को हम उल्टा करेंगे, जैसे नून अलिफ ना मीम साकिन नाम बन गया, इसी तरीके से फिर हमने तरतीब बदली, मीम अलिफ मा नून साकिन मान बन गया। तो इस तरीके से हमने इसकी तरतीब बदलनी है। तो ये एक मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से नंबर दो पे दिया हुआ है आपको जीम अलिफ लाम, ये आपको तीन हुर्फ दिए हुए, तो ये जीम अलिफ जा लाम साकिन जाल बन गया। इसी तरीके से लाम अलिफ ला जीम साकिन लाज बन गया। अब आपको नंबर तीन पे दिया हुआ है काफ अलिफ नून, इनकी तरतीब बदलेंगे, नून अलिफ ना काफ साकिन नाक बन गया। इसी तरीके से काफ अलिफ का नून साकिन कान बन गया। बच्चों दोहरा लेते हैं कि क्या क्या बन सकते हैं, एक बार फिर से हम दोहराते हैं। नुमा भी बन सकता है, नून मीम अलिफ नुमा, अलिफ मीम नून अमन, नून अलिफ ना मीम साकिन नाम भी बन सकता है। अब आप जितना सोचेंगे उतने ही इसकी तरतीब बदल सकते हैं। तो ये तो हमने तीन मुकम्मल कर लिए। अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर चार की तरफ, गर्मी में इस्तेमाल होने वाले पांच खानों के नाम। अब आप सोचेंगे गर्मी में आप कौन कौन से खाने खाते, हम बहुत हल्की गजाएं खाते हैं ना, खिचड़ी खाते हैं, दलिया खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, बहुत हल्के हल्के खाने खाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे आपको जो पसंद हो पांच नाम लिख सकते हैं। अब आते हैं अपने सवाल नंबर पांच की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा सवाल नंबर पांच, हमारा दिए गए अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी जो आपको अल्फाज दिए गए हैं उनको हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चों आप कर चुके हैं, तो अब हम एक बार फिर से कर रहे हैं। आपको अल्फाज दिए हैं नंबर एक पे मदद, नंबर दो पे ऊंचा, नंबर तीन पर फायदा, नंबर चार छुट्टियां, और नंबर पांच है आपका सफारी। अब आप सोच रहे होंगे कि मदद, मदद का जुमला आप बनाएं, फटाफट जरा जल्दी से सोचें कि मदद का क्या जुमला हो सकता है। जैसे कि आप लोग मदद करते ना अपने दोस्त की, कि पेंसिल नहीं है तो उनको पेंसिल दे के मदद की, या किसी गरीब को हम पैसे दे के मदद कर सकते हैं। तो हम मदद का जुमला तो आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे मदद के जुमले जो आपको आसान लगे वो बनाएं। इसी तरीके से ऊंचा, नंबर दो है ऊंचा, ऊंचा का अब हम क्या जुमला बना सकते हैं, जरा सोचिए कि कौन कौन सी चीज होती है जो हमें ऊंची ऊंची लगती है। तो हम आसान सा जुमला ये भी ले सकते हैं ऊंचा पे, आसमान बहुत ऊंचा है, ऊंचा होता है ना आसमान, और आपको जो आसान लगे इसके अलावा आप वो भी बना सकते हैं। नंबर तीन है फायदा,
अब आपको कौन कौन सी चीजें फायदा पहुंच जाती है उस पर आप जुमला कुछ भी बना लें, जरा सोचें। जी आप फायदा पे बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, जैसे कि सब्जियां खाने से फायदा मिलता है, इसी तरीके से सूरज की रोशनी से फायदा मिलता है, इसके अलावा आपको कोई आसान लगे तो आप वो बना लें। नंबर चार पे है हमारा छुट्टियां, छुट्टियां तो ताली और छुट्टियां, जैसे गर्मी की छुट्टियां बहुत अच्छे अच्छे से गुजारी, छुट्टियां पे तो इतने सारे जुमले बन सकते हैं ना। नंबर पांच है हमारा सफाई, सफाई सफाई किसे सफाई निस्विमान है, सफाई हमें घर की सफाई रखनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये तमाम काम जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आपको अपना अमली पर्चा किसमें हल करना है, ये अपना अमली पर्चा आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल सफाई के साथ करना है और प्यारा प्यारा करना है। तो प्यारे बच्चों अमली पर्चा मुकम्मल करें अच्छे से। अब तक का काम हमारा इतना है, अल्लाह हाफिज़।